हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका मेक और प्रोडक्ट में, जहां आपको नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू देखने को मिलते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू एलेटी नाइट ड्रामा पैलेट का। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल रिव्यू वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये एलेटीन के आई ड्रामा पैलेट, इसमें आते हैं 3 शेड्स। इसकी MRP है 295 रुपीज़। 295 में ये आपको 7 ग्राम आता है। इसमें शेड है 01 सैसी और ये जो आता है 03 है चिकी, और 02 भी आता है फ्लर्टी, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी और शॉप में भी। पहले ये नहीं मिल रहे थे, लॉन्च हुए थे जब भी, अभी अभी सभी तरफ मिल रहे हैं, लॉन्च हुए। तो एलेटीन ने ऐसे बहुत से प्रोडक्ट निकाले जो कहीं पर मिलते हैं, जो कहीं पर नहीं मिलते, क्योंकि अभी न्यू है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। मतलब मस्कारा है, सीसी क्रीम है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ऑनलाइन भी पहले मैंने देखा था तो इसे सर्च करके तो ये नहीं था, बट अभी ऑनलाइन नायका पे है। वैसे तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ नायका भी का, तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है एलेटीन के आई ड्रामा पैलेट। इसमें आते हैं 3 शेड्स जो आते हैं ग्लिटरी और 3 शेड जो मैट आते हैं। दोनों में सेम शेड नहीं है, अलग अलग शेड है। तो इसकी पिगमेंटेशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंटेशन। ये बेसिकली ये पाउडर आई शेडो है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और आप अगर फिंगर से भी इसे ब्लेंड करते हो लगाकर, आपको अगर लाइट डेली वेयर लुक चाहिए जो हम फिंगर से लगाते हैं, तो उससे भी ये ब्लेंड हो जाएंगे। इतने ज़्यादा स्मूथ इसका ब्लेंडिंग है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे आपको खोल के भी बताती हूँ। और इसका पैकेजिंग भी बहुत कैरी करने के जैसा है, हैंडी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, बैग में अपने आ जाएगा इतना ही है। और इसका अफोर्डेबल रेंज भी 295 है। अभी जो एलेटीन ने न्यू प्रोडक्ट सभी लॉन्च किए हैं उसके सभी के प्राइस अंडर 300 रुपीज़ ही है। मतलब सीसी क्रीम हो गया, ब्लश बॉम हो गया, लिप एंड चिक टिंट हो गया, सबके अंडर 300 रुपीज़ ही है। और मैंने किसी किसी के रिव्यू भी दिए हैं न्यू प्रोडक्ट के एलेटीन के, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चले मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ अंदर से शेड्स। वैसे तो मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, फिर भी मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ। ये इसका ब्रश है और ये शेड्स है। इस पैलेट का शेड का नाम है सैसी। तो इसमें कुछ डार्क शेड्स है और कुछ लाइट शेड्स है। ये वाले जो है ये ग्लिटरी शेड्स है और ये वाले जो है ये मैट शेड है, प्योर मैट शेड है। और मैं आपको इसका पिगमेंटेशन चेक करके बताती हूँ। ये कुछ इस प्रकार का है, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। अभी तो ये गोल्डन शेड है इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में से, तो वैसे भी इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर खरीद सकते हैं। ये जो मैंने बताया ये था 01 सैसी शेड, और अब मैं बताने जा रही हूँ 03 वाला शेड जिसका नाम है चिकी। तो इसमें ऐसे वाइट पिंक ऐसे वाले शेड से, इसमें जो है ये स्मोकी आइज वाला, ये पिंक है, ये वाइट है, जो कि ये 3 शेड्स मैट में और ग्लिटर में भी वाइट है, और ये ब्लू है, सॉरी पर्पल है, और ये वाला जो है वो ये ऑरेंजिश पिंकिश है ऐसा। तो मैं आपको इसके वाइट का पिगमेंटेशन बताती हूँ, क्योंकि गोल्डन का ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो ये आप देख सकते हैं ब्लेंड करने में काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं, आप अपने फिंगर से ही काम चला सकते हो। अगर आपको एक ही शेड लगाकर ब्लेंड करना है तो आप अपने फिंगर से भी काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप ज़रूर ख़रीदना, बहुत ही अच्छा आई शेडो निकाला है एलेटीन ने। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर ख़रीदना आप, 295 रुपीज़ में है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा कैरी
भी है, कैरी भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका छोटा पैकेजिंग है। तो शेड आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। मैंने जो बताया 0103 था और इसमें 02 भी आता है, वो शेड उसमें कौन से शेड आते हैं वो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी अवेलेबल होगा वहाँ। तो फिर से मैं बता रही हूँ, ये सभी जगह पर अवेलेबल है और शॉप में भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो बस यही था इसका आज का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।